Oh. नितिन का था ना, मार डालेगा। अरे कुछ तो बोल। हे गाइस, नितिन और मेरे चैनल आपका स्वागत है। और आज मैं देने वाला हूँ चार ऐसे रीजन जिसकी वजह से आप जान पाओगे कि क्यों एडोब लाइटरूम मोबाइल बेस्ट एडिटिंग ऐप है। जितने भी आपके ऐप अवेलेबल हैं आपके मोबाइल में, उसमें ये बेस्ट क्यों है। और इसके साथ ही मैं वीडियो में आपको देने वाला हूँ एक अपना प्रीसेट भी, तो ये वीडियो को आप पूरा देखते रहना क्योंकि बीच में मैं कहीं भी वो हिंट दे सकता हूँ जिसकी वजह से वो प्रीसेट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले रीजन से, जो कि है कि आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं कलर को चेंज करने के लिए। अब वैसे देखिए, आपके पास बहुत सारे एडिटिंग ऐप्स हैं जो भी आप यूज़ करते हो, यानी स्नैपसीड या फिर वॉस्को यूज़ करते हो, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम के खुद के फिल्टर यूज करते हो, तो मोस्ट ऑफ दी जितने भी ऐप्स हैं वो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप जो भी ब्राइटनेस या फिर आप सैचुरेशन इनके साथ प्ले कर सकते हो, बट आप कलर के साथ प्ले नहीं कर सकते। मतलब आपके पास फिल्टर्स होते हैं कि आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो अपने पिक्चर्स पे, बट वो पूरे ओवरऑल पिक्चर पे अप्लाई होते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एक कलर चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज में इसकी जो ग्रीनरी है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, या फिर मैं पर्टिकुलर किसी एक कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो ये फ्रीडम मुझे एडोब लाइटरूम मोबाइल देता है। इसमें क्या करना होता है, मुझे सिंपली यहाँ पे कलर पैलेट पे जाना है एंड वहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है जो कि मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। वहाँ से मैं कलर चूज़ करूँगा एंड कलर चूज़ करने के बाद सिंपल मैं अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे ग्रीन को येलो का थोड़ा लुक देना है, या थोड़ा सा उसको अलग लुक देना है, या थोड़ा सा उसको वार्म लुक देना है, तो मैं उसका लुक चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं पर्टिकुलर कोई भी कलर सा प्ले कर सकता हूँ, यानी मैं स्किन टोन को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कॉस्ट्यूम के अगर मैं कपड़े हैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ ढेर सारी फ्रीडम है कि मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं स्पेसिफिक कलर को चेंज कर सकता हूँ। ये फ्रीडम मुझे और कहीं मिलता नहीं है। लाइक अगर मैं कहीं और किसी ऐप को यूज़ करूँ तो मुझे वो फ्रीडम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है। इतनी जो डिटेल जो फ्रीडम है मुझे सिर्फ एडोब लाइटरूम में ही प्रोवाइड होती है। इसलिए ये बनाता है इसका टॉप पहला रीजन जिसकी वजह से मैं ये ऐप हमेशा यूज़ करता हूँ एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस ऐप को यूज़ करो। सो बात करते हैं रीज़न नंबर टू की। अब रीज़न नंबर टू ये है कि इसमें आपको फ्रीडम मिलती है खुद का प्रीसेट बनाने का। प्रीसेट क्या होता है? प्रीसेट ये होता है कि जैसे कि मेरे से आप लेजी हो, बस मजाक कर रहा हूँ, लेजी नहीं हो, ये आपको क्या करता है, आपकी जो आपकी वर्क फ्लो है उसको इंक्रीज करता है। लाइक अगर आपके पास ढेर सारे काम है, आपको पता है कि जो एक पर्टिकुलर सेटिंग है यही आपको एक 10 जितनी भी रेस्ट ऑफ पिक्चर्स है उसमें सेम ही सेटिंग आपको अप्लाई करनी है, या फिर अगर आप अपने इंस्टाग्राम में सेम कलर के हिसाब से या सेम पैटर्न के हिसाब से एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर अपना जो कलर ग्रेड है उसको सेम रखना चाहते हो जो एडिटिंग के हिसाब से, तो उसके लिए बहुत ईजी चीज़ है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको अपने जो भी आप एडिटिंग कर रहे हो अपने मोबाइल में, आप उसको एडिटिंग को सेव कर सकते हो, उसको बना सकते हो प्रीसेट में। अब इस प्रीसेट का फायदा यह है कि जब भी आप नेक्स्ट फोटो में एडिटिंग करने जाओगे तो आपको वापस से वो शुरुआत से वो सब सारी चीज़ करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपली आपको बस जाना है वन टैप पे, प्रीसेट्स को ओपन करना है। प्रीसेट ओपन करने के बाद आपको जो भी प्रीसेट आपको पसंद है, जो भी आप अपना कलर पैलेट के हिसाब से क्या कलर चाहते हो वहाँ पे, आप उसको सेलेक्ट करो एंड अप्लाई कर दो एंड बूम, आपका काम ईजी। आपका जो सारा जो कलर आप चाहते हो, जो आप एक स्टेप चाहते हो यानी धीरे धीरे बनाना चाहते हो, वो एक साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है कि सिंपली जो हल्के फुल्के ट्विक्स आपको करें, यानी जो एक्सपोजर आपको चेंज करना है अपने हिसाब से, क्योंकि जो प्रीसेट्स होते हैं वो अलग एक्सपोजर के हिसाब से सेट होते हैं, तो आपको हल्की फुल्की चेंज करने की जरूरत यहाँ पड़ सकती है। आपको पूरा डिटेल चेंज करने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर आप स्टार्टिंग में जाओ पूरा प्रोसीजर करने के लिए, वो प्रोसीजर आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा करना, यानी आप वन क्लिक के साथ अपनी एडिटिंग कर सकते हो एंड आप हल्के फुल्के ट्विक्स साथ आपका जो एडिटिंग है वो फटाफट से हो जाएगा। सो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग मैंने बात किया था कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैं अपना जो प्रीसेट है वो आपको दे सकता हूँ, वो भी फ्री में। उसका तरीका यह है, सिंपली आपको जाना होगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहां से जाओ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, मेरे अकाउंट को फॉलो करना है एंड मुझे इनबॉक्स में आपको मैसेज करना है, इट्स नितिन, एंड मैं आपको भेजूंगा जो DNG फाइल है, मतलब जो मेरी प्रीसेट की DNG फाइल है, मैं आपको भेज दूंगा फ्री में एंड आप उसको यूज करके अपने इमेज को बहुत ही ज्यादा कूल लुक दे सकते हो। सो बात करते हैं रीज़न नंबर थ्री की। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लाइटरूम पसंद है। इसके लिए आपको जाना होगा अपने ग्रेडियंट टूल पे। अब यहाँ पे आपको जो तीन ऑप्शन मिलते हैं, ब्रश का ऑप्शन मिलता है, और आपको रेडियल का ऑप्शन मिलता है, और लीनियर का ऑप्शन मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इसकी भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने पिक्चर्स में। अगर फॉर एग्जांपल आप ये पिक्चर देखो, तो यहाँ पे अगर मुझे किसी पिक्चर्स में अगर आपको हाईलाइट या आपको स्काई को आपको डार्क करना है, या फिर पर्टिकुलर आपको कुछ एरियाज़ को डार्क करना है, तो उसके लिए आप लीनियर का यूज़ कर सकते हो मास्किंग का। उसके वजह से आप वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया
को डार्क कर सकते हो, वहाँ कलर चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रेडियल टूल का भी यूज़ कर सकते हो, अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को अगर आप सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेटिंग करना चाहते हो, उसका भी मैं क्रिएटिव यूज़ कर लेता हूँ। एंड कई बार मुझे ब्रश का यूज़ भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं पर्टिकुलर एरिया को सिर्फ सेलेक्ट करके एंड वहाँ पे ही कुछ कुछ एडिटिंग कर दूँ। तो ये मुझे बहुत यार फीचर्स जो होते हैं बेनिफिट होते हैं जब भी मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ कुछ स्पेसिफिक एरिया में, एंड वो मेरी पिक्चर ओवरऑल पिक्चर को क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो ये जो रीज़न है ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है इसको बेस्ट बनाने का। सो बात करते हैं लास्ट रीज़न की, यानी रीज़न नंबर 4 की, जो कि है नॉइज़ रिडक्शन। ये फीचर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप कोई और दूसरा एडिटिंग ऐप यूज़ करो, जैसे स्नैपसीड यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और एडिटिंग ऐप यूज़ करो, वहाँ पर अगर आप एडिटिंग करते हो, हैवी एडिटिंग करते हो, लाइक अगर आप शेडो को इंक्रीज़ करते हो या फिर कलर को थोड़ा बूस्ट करते हो, तो आप देखना आपके पास बहुत सारे नॉइज़ अकर हो जाएंगे। अब उसको रिड्यूस करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जो लाइट रूम है वो आपको फीचर देता है नॉइज़ रिडक्शन का। अब नॉइज़ रिडक्शन क्या करता है, ये आपकी इमेज को जो नॉइज़ है उनको पूरा का पूरा रिमूव कर देता है। अब हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी अगर नॉइज़ रिडक्शन यूज़ करोगे तो ये आपकी जो ओवरऑल इमेज है इसको पूरा का पूरा प्लास्टिक में टाइप में कन्वर्ट कर देगा, जो कि अननेचुरल है और फेक लगेगा देख के। बट अगर उसको आप थोड़ा सा समझदारी के साथ डिसेंटली यूज़ करोगे, यानी जो एक पर्टिकुलर एरिया पे सिर्फ कुछ एरिया पे या कुछ अमाउंट में ही उसको यूज़ करोगे, तो देखोगे आपकी जो पिक्चर है वो ना सिर्फ एकदम क्लीन दिखेगी बस शार्प दिखेगी एंड ओवरऑल बहुत ही अल्टीमेट दिखेगी। तो ये चार रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे लाइटरूम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं और भी एडिटिंग ऐप यूज़ करता हूँ, लाइक पिक्सआर्ट यूज़ करता हूँ, स्नैपसीड यूज़ करता हूँ, बट लाइटरूम से मुझे अलग प्यार है। उसका रीज़न यही वो चार रीज़न है कि ये जो चार रीज़न है इनकी वजह से जो मुझे फ्रीडम मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्रोसेस प्रोसेसिंग में, वो कहीं भी नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये चार जो मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ उसको यूज़ करो अपने पिक्चर्स में और आप देखो कि आपके पिक्चर्स में कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। एंड अगर आपको चेंज दिखे पिक्चर्स में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि किस तरह का आपको ये हेल्प करता है। यानी इसके अलावा भी अगर कोई और आपको रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको ये ऐप पसंद है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा अलग फीचर है जिसकी वजह से आपको ये ऐप पसंद है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी के टिप्स ट्रिक्स एंड न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज्यादा बनता है। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए बाय, पीस। सो